गुजरात हैदराबाद मैच बारिश के कारण रद्द, दोनों टीमों को मिला एक अंक। सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली बनी तीसरी टीम। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहे ऑडियो मंथ तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ली। IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। हैदराबाद में गुरुवार शाम से देर रात तक बारिश होती रही, ऐसे में एम्पायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा कर मैच को रद्द करने का फैसला किया। दोनों टीमों को समान रूप से एक एक अंक दिया गया। इसके साथ ही हैदराबाद की टीम मौजूदा सीजन के प्लेऑफ में पहुंच गई है। हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी है। अब टीम 19 मई को होने वाले मैच में पंजाब को हराकर 17 अंक तक पहुंचना चाहेगी। दूसरी ओर गुजरात का लगातार दूसरा मैच बारिश में धुला है। गुजरात 14 मैचों के बाद 12 अंक तक ही पहुंच सकी। आज गुजरात और हैदराबाद के बीच 66 मुकाबला खेला जाना था, लेकिन मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। गुजरात और हैदराबाद को एक एक अंक मिला है। ऐसे में हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है और क्वालिफाई कर चुकी है। रात 10:30 बजे तक बारिश नहीं रुकने के कारण एम्पायर ने यह फैसला लिया। हालांकि अगर बारिश रुकती तो 5-5 ओवर का खेल भी हो सकता था, लेकिन बारिश नहीं रुकने की स्थिति में दोनों एम्पायरों ने मैच को रद्द कर दिया। सो दोस्तों, आपके अनुसार इस बार IPL फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।